आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों आज हम वॉकराउंड करने जा रहे हैं इस नए इलेक्ट्रिक ऑटो को जिसका नाम है ऑटोवा। तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए AUTO ऑटो होता है, लेकिन इसका जो नाम है उल्टा रखा गया है ऑटोवा। जैसे कि भारत के कई भाषाओं में, जैसे कि बिहारी या झारखंड या भोजपुरी भाषाओं में ऑटो को ऑटोवा कहा जाता है। तो चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए अगर हम डिज़ाइन की बात करेंगे, भारत में बहुत से नए इलेक्ट्रिक ऑटोज लॉन्च होते हैं कुछ नए फीचर्स के साथ, नए स्पेसिफिकेशंस के साथ, लेकिन उनका डिज़ाइन आपको आइसेज इंजन जैसे ऑटो जैसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ऑटोवा की तरफ से एक नए डिज़ाइन के साथ एक इलेक्ट्रिक ऑटो को लाया गया है, जो कि जिसे देख कर लगता है कि हाँ कोई फ्यूचर से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर देखने को आया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ तो यहाँ पूरे व्हाइट कलर में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक ऑटो देखने को मिलता है, जिसमें आपको इस ब्लैक कलर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकर्स की बैजिंग है। कंपनी की CEO क्षितिज बजाज से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ऑन प्रोसेस है। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको थोड़े और चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर डोर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का कैबिन आपको देखने को मिल जाता है। डोर काफ़ी हैवी है और जो इसमें डोर में मेटल का इस्तेमाल किया गया है नीचे, और इसमें मोनोकॉक चेजेस का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मेटल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो ऑल ओवर बॉडी है दोस्तों, इसमें फाइबर का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप रेयर साइड में आएंगे तो रेयर साइड में आप देख सकते हैं कि हल्का सा पुश कीजिए, डोर अपने आप ऊपर आता है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 183 क्यूबिक फुट का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और रेयर साइड में आपको इस तरह की टेल लैम्प देखने को मिल सकती है। हालांकि फाइनल प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर आप टायर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 13 इंचेस के टायर का इस्तेमाल किया गया और ऑन जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, बताया जा रहा है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा कुछ इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में अभी बताने को नहीं है, क्योंकि अभी ये एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एक ये ऑन प्रोसेस प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दूंगा दोस्तों। देखिए इस इलेक्ट्रिक ऑटो में 165 किलोमीटर की रेंज का दावा किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। हालांकि ये अभी सर्टिफाइड रेंज नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो खुद टेस्टिंग की है उसमें 165 किलोमीटर रेंज निकल कर आती है। और बताया जा रहा है कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो को करीबन 4 से 4.5 घंटे चार्ज करते हैं पोर्टेबल चार्जर की मदद से, तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो आपको 165 किलोमीटर्स की रेंज देगा। और इसमें एक सेकंड वेरिएंट आता है जिसमें आप बैटरी पैक को बड़ा कर देंगे तो आपको करीबन 300 किलोमीटर तक की रेंज भी इस इलेक्ट्रिक ऑटो में देखने को मिल सकती है। इस इलेक्ट्रिक ऑटो में दोस्तों यहाँ पर 15 किलोवाट के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि IP67 रेटेड है। और यहाँ पर अगर आप सेकंड वेरिएंट लेंगे तो उसमें 30 किलोवाट आर के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इसकी रेंज जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर डंडेरा की तरफ से आप देखेंगे तो ऑटो के डिज़ाइंस को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होंगे, क्योंकि ऑन मार्केट जो जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटोज़ आपको देखने को मिलेंगे उनसे इसका डिज़ाइन कुछ अलग देखने को मिलता है। इस इलेक्ट्रिक ऑटो में दावा किया जा रहा है दोस्तों डंडेरा की तरफ से कि इसमें आप 900 किलो की लोडिंग कैपेसिटी ये इलेक्ट्रिक ऑटो ले सकता है, जो कि मुझे लगता है ऑन मार्केट जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटोज है उसमें सबसे ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी होगी अगर ये इलेक्ट्रिक ऑटो इतनी ज़्यादा लोड कैपेसिटी के साथ आता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सबसे ज़रूरी पॉइंट प्राइस की, तो देखिए अगर आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदते हैं, इसमें आपको फेम टू सब्सिडी भी देखने को मिलेगी और स्टेट सब्सिडी भी अगर आपको देखने को मिलेगी अगर आपके एरिया में स्टेट सब्सिडी है, तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो का प्राइस है दोस्तों 3.5 लाख बेस वेरियंट के लिए, जिसमें आपको 165 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और 5.5 लाख टॉप वेरिएंट के लिए, जिसमें आपको 300 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं दोस्तों इस इलेक्ट्रिक ऑटो के अंदर, तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा रूम यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि फिर से मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है और चेंजेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक ऑटो में एक चीज़ आपको सेम मिलेगी, इसकी टॉप स्पीड। इस इलेक्ट्रिक ऑटो में दोस्तों आपको 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको कोई मोड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ड्रैग 1 और ड्रैग 2 करके दो गियर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जो टॉर्क है कम और ज़्यादा आप उससे कर सकते हैं रोड कंडीशंस के हिसाब से। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा वॉक अराउंड इस डंडेरा के नए इलेक्ट्रिक ऑटो ऑटोवा का। लेकिन इस इलेक्ट्रिक ऑटो से जुड़े मैंने कई सवाल करे हैं इनके CEO क्षितिज बजाज जी से, जो कि शार्क टैंक में भी गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है। तो वहाँ पर उनसे मेरी क्या बातचीत हुई इस इलेक्ट्रिक ऑटो को लेकर, तो आप वो वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले, और आपके क्या विचार है इस इलेक्ट्रिक ऑटो को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।